चलिए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे यू विल रीड फर्स्ट लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक। बच्चों आज आप अपने प्रोज का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पाठ का नाम है कि एक स्त्री का तस्वीर, और रिटन बाय खुशवंत सिंह के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है लेसन। तो आज आप दूसरा पैराग्राफ से देखेंगे, दूसरे से देखिए। She had always been short and fat and slightly bent। तो वह हमेशा छोटी मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई होती थी। बेंट में झुकना, स्लाइटली माने हल्का सा, थोड़ा सा झुकी रहती थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी वेर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। बता रहे हैं कि नहीं, हमें विश्वास है, हम विश्वास करते थे कि हमने जब से उन्हें देखा है वे सदैव से ऐसे ही थी। वह बूढ़ी थी, वह ऐसी थी, ओल्ड, वह बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतना अधिक बूढ़ी हो गई दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अब वह इतनी बूढ़ी हो गई थी, वह और भी बूढ़ी नहीं हो सकती थी। वह सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर मने और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेट एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और वह हैड स्टेट मने रुकी हुई थी एट द सेम एज मने उसी अवस्था में, उसी आयु में फॉर 20 ईयर्स। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होगी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकी होगी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी। बता रहे हैं कि लेकिन वह सुंदर थी, वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी। अपने कूबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थी, वह दूसरे हाथ से अपने एक हाथ को क्या करती थी, अपने कूबड़ पर रखती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कर्टेड, और अपने एक हाथ को अपने जो पीठ का कमर है उस पर, कमर पर रखती थी। दूसरे हाथ से माला फेरा करती थी। और बता रहे हैं कि हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। और उनके चांदी जैसे जो बाल थे, जो उसका बाल था सिल्वर जैसा चांदी जैसे, उनके पीले झुर्रियाँ वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। जो उसका शरीर चेहरा था उस पर उसका बाल बेढंग तरीके से क्या होता था, फैला रहता था।
अब और एंड हर लिप्स और उसके जो ओठ थे कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एडिबल प्रेयर और वह लगातार हमेशा प्रार्थना करते रहे। उसके जो ओठ रहते थे वह क्या करते थे, हिलते रहते थे। उसके ओठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह सुंदर थे और वह शीतकाल में पहाड़ी भू दृश्य सी थी। शीतकाल में जो विंटर सीजन होता है, जाड़े का मौसम होता है, तो उसमें वह कैसे दिखाई देती थी, लैंडस्केप पहाड़ी भू दृश्य जैसा होता है वैसा दिखाई दे, इन द माउंटेन्स पर्वतों का, यानी कि भूदृश्य थी स्वच्छ, जो शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य होता था वैसा वह दिखाई देती थी। एंड एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और क्या होता था, स्वच्छ स्वेच्छ शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांत तथा संतोष का वातावरण था, ऐसा वह दिखाई पड़ती थी। माई ग्रैंड फादर हैड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ को और मैं अच्छे मित्र थे। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे, यानी वह कह रही मेरी दादी से अच्छी दोस्ती थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता ने मुझको मेरी दादी के साथ छोड़ दिया। When to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए गए। And we were constantly together, और हम लोग लगातार साथ साथ रहे। She used to wake me up in the morning, वह मुझे सुबह में जगाया करती थी। And get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous वो सिंग बाय हर्ट, और वह सुबह में जो प्रार्थना करती थी सदैव, वह जो प्रार्थना करती थी उसमें नीरस तरीके से गाया करती थी। वह अपने प्रार्थना में नीरस तरीके से गाया करती थी और फिर बता रहे हैं कि आई लिसेंड बिकॉज, मैं सुनती थी, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, मैं उसकी आवाज़ को पसंद करती थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैं उससे कभी मुझे नीरस, लेकिन अपनी प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी। नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, और उसको गाने में वह कभी उबती नहीं थी, बोदर नहीं होती थी। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और तब वह मेरी लकड़ी की जो स्लेट होती उसको खींचती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वह पहले से ही धो रखी थी, धो चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उसमें क्या करती थी, पीले रंग वाली जो चाक थी उसको लगाया करती थी, लगाई होती थी। अट्टिनी अर्थेन इंक, और छोटी सी जो मिट्टी की स्याही होती है, इंक पार्ट जो मिट्टी का जो इंक का स्याही का जो बर्तन होता था, पात्र होता था। एंड रेड पेन, और एक लाल कलम होती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सबको एक गट्ठर में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इसको मेरे हाथ में देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, और दोपहर और सुबह के नाश्ते के बाद स्टेल चपाती
विथ लिटिल बटर, और क्या करती थी चपाती थोड़े से बटर के साथ उसमें मतलब लगा करके, एंड शुगर सप्रेड ऑन इट, और उस पर क्या करती थी शक्कर को रख देती थी, सप्रेड लगा देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वह क्या करती बहुत से वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेक चपाती ले जाती थी, कुत्तों के लिए अनेक चपाती ले जाती थी। फोर्थ देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वह मंदिर से सटा हुआ था, वहीं था, जुड़ा हुआ था, उसे वहीं पास में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो पुरोहित होता था वह हमें अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें वर्णमाला, अल्फ़ाबेट में क्या होता है वर्णमाला पढ़ाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और क्या पढ़ाते थे सुबह की वंदना करना सिखाते थे, बताते थे। व्हाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज, जबकि बच्चे पंक्तियों में बैठते थे ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन चोरस, जबकि जो बरामदे में बच्चे होते थे दोनों तरफ बैठे मिलकर वर्णमाला अथवा प्रार्थना गाते थे, मिलकर वर्णमाला या प्रार्थना, चोरस माने एक समूह में गाना, एक साथ क्या करते थे गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ बैठी रहती थी इनसाइड अंदर, रीडिंग माने पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स, और वह धार्मिक दादी। हाँ तो हम लोग, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी, यानी जो धार्मिक होली बुक होती थी उसको पढ़ती थी। When we had both friends finished, जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे, we would walk back together, तो हम दोनों घर की ओर चल देते थे, वापस चल देते थे साथ साथ। This time the village dogs would meet us, और इस समय गांव के कुत्ते हम लोगों से मिलते थे। At the temple door, कहाँ मिल जाते थे मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस, और वे हमारे पीछे पीछे आते थे। टू आवर होम, हमारे घर की तरफ। ग्रोइंग ग्रोइंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज भी थ्रू टू देम, तो जो कुत्ते जिन उनके लिए हम लोग चपाती फेंकते थे, तो वे कुत्ते चपातियों को उनके पास डालते थे हम लोग, तो उनके लिए लड़ते थे और गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। यानी जब हम लोग घर की तरफ जाते थे, कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर ही मिलते थे, और हम जिन चपातियों को उनके पास डालते थे, उन्हें भेज फेंकते थे उनकी तरफ, वे उनके लिए लड़ते थे और गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। बस।